मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले मंगलवार को अदालत में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को राज्य निर्वाचन आयोग के 2 सप्ताह में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद शिवराज सरकार ने संशोधन याचिका दायर की थी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसके बाद आज आरक्षण देने के आधार को लेकर सरकार का पक्ष सुना गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आकलन के बाद ही वह ओबीसी आरक्षण पर फैसला देगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एप्लीकेशन फॉर मीडियाफिकेशन के माध्यम से बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने 10 मई को जो आदेश दिया था उसमें संशोधन की मांग की गई थी। सरकार का कहना था कि वह चुनाव कराने के पक्ष में है, लेकिन ओबीसी वर्ग को निकाय और पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण मिले इसके लिए सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।